पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय करनाल के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, जिसके चलते यहां पर करनाल जिले के जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हजारों की संख्या में कर्मचारी धरने पर डटे रहे। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि राज्य स्तर पर एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अपनी मांगों को लेकर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन किए गए थे। उन्होंने बताया कि सरकार उनकी लंबित मांगों को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए निर्णय लिया गया है कि अब पूरे प्रदेश से पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के कर्मचारी करनाल सीएम सिटी में आकर अपना रोष व्यक्त करेंगे। उसी कड़ी में आज पानीपत जिला के हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने यहां पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की लंबित मांगों को पूरा करवाने की पुरजोर मांग उठाई गई है। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि सरकार विभागों का निजीकरण करने जा रही है, जिसके चलते उनके विभाग को भी ठेके पर देने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं करनाल के लघु सचिवालय के सामने की। हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन द्वारा अनिश्चितकालीन धरना यहाँ रखा गया है, जिसमें प्रत्येक दिन प्रत्येक जिले से पीडब्ल्यूडी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचकर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। हम कर्मचारी नेताओं से बात करवाएंगे आपकी। हाँ जी, किस विरोध में किया जा रहा है? किस विरोध में किया जा रहा है? आज हम जो 15 तारीख ने मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने जो प्रदर्शन किया था, उसमें अनिश्चितकालीन धरना की जो हमने कॉल दी थी राज्य कमेटी के आह्वान पर, कैथल के कर्मचारी आज इस धरने में भाग ले रहे हैं। तो क्या मांगे आप? हमारी मांग है जो जन स्वास्थ्य विभाग का निजीकरण करी है सरकार, उस पर रोक लगाए, जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जो हमारे पंप ऑपरेटर हैं उनको 18,000 की बजाय 25,500 का स्केल दिया जाए, जो हमारे कर्नाटक उनको तृतीय श्रेणी का दर्जा दिया जाए, ये अधिमारी मांग है। पानी का निजीकरण बंद किया जाए। तो कब तक रखेंगे धरना? अनिश्चितकालीन धरना हमारा चलता रहेगा जब तक मुख्यमंत्री हमसे बात नहीं करता। क्या नाम आपका? मेरा नाम ओमपाल भाल, मैं राज्य कमेटी का सचिव। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।